रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आउं है लाला निसार अज असी जैसा मिलन आया आयूं वो को सियासी शख्सियत ना है का कारोबारी शख्सियत ना है पर मुझे कैमरामैन ताके ही वड़ो फ्रेम करे दिखारे सके पयो त आउं हन वक्त मौजूद आया कराची जी नॉर्दर्न बाईपास ते मुश्तमिल एशिया मुल्क जी ना पाकिस्तान जी ना पर एशिया जी वडे में वडी मवेशी मंडी जिते तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त ही केतिरनि एकड़नि ते एकड़ ते मुश्तमिल आहे नाज़रीन ही एशिया जी वॾे में वॾी मंडी 1000 एकड़ ते मुश्तमिल आहे एतिरी वॾी मंडी आहे जॾहिं असीं एंटर बि थियूं पिया त एॾी ड्रिघी असांखे लाइन नज़र आई पई बतन जी यानी जिते जिते लाइट्स हुयूं ज़ाहिर त ख़बर पवे पई त ही मंडी आहे एशिया जी वॾी एशिया जी वॾे में वॾी मंडी आहे 1000 एकड़ ते मुश्तमिल आहे ऐं हिते मुख़्तलिफ़ तबक़नि सां जेके माण्हू तालुक़ु रखनि था ऐं हर मुसलमान ज़ाहिर आहे हिते ख़रीदारी करण जे लाइ अचे पियो जानवर जी ॻोल्हा में सुनत इब्राहिम अदा करण जे लाइ हुते अमल दरामद थियण जे लाइ ऐं ज़ाहिर ही अॼु आचर जी राति आहे सुभाणे सूमर आहे यानी सुबुह जो ईद तव्हां सभु सेलिब्रेट करे रहिया हूंदा सुभाणे तव्हां सभु पंहिंजा जानवर जेके तव्हां ख़रीदा आहिनि ख़रीद कया आहिनि उन्हनि खे क़ुर्बान कंदा पई सो अॼु हिते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेके ख़रीदार आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे महांगाई जी बि ॻाल्हि कई वञे पई त तमामु घणो महांगो दौर बि आहे हिन महांगे दौर में हिकिड़ो आम माण्हू जानवर अफोर्ड करे सघे बि पियो या न पर ज़ाहिर वॾे पैमाने ताईं वॾी तइदाद में तमामु मुसलमान क़ुर्बानी कनि पिया ज़ाहिर पंहिंजा पैसा जोड़े करे बि पंहिंजी सैलरीज़ मां बचति करे बि ईद क़ुर्बान जे मौक़े ते जानवर ज़रूरु क़ुर्बान कंदा आहिनि सो उते हिते उहे माण्हू ज़ाहिर अचनि था जेके अफोर्ड करे सघनि पिया ऐं सघ रखनि था पंहिंजो ईद ते जानवर क़ुर्बान करण जी सो हुननि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिकु तरफ़ त महांगाई बि आहे ॿिए तरफ़ तव्हां जानवर बि वठणु आया आहियो ऐं न सिर्फ़ु एतिरो नाज़रीन पर तव्हांखे आउं वधीक इहो बि ॿुधाईंदी हलां त हीअ जेकी मवेशी मंडी आहे हिन जो मईशत में बि वॾो किरदारु हुजे थो छो त जेके हिते वापारी अचनि पिया पंहिंजा जानवर विकिणण जे लाइ फ़रोख़्त करण जे लाइ हू पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ हिसनि खां अचनि था कराची त हिकु ऑलरेडी मौशी हब आहे ऐं हिते मुल्क जे हर कुंड कुर्छ मां हिन कराची जी नॉर्दर्न बाईपास ते वापारी जेकी आहिनि उहे अचनि था जानवर पंहिंजो फ़रोख़्त करण जे लाइ विकिणण जे लाइ त जीअं हिते क़ुर्बान जे मौक़े ते पंहिंजो जानवर माण्हू क़ुर्बान करे सघे सो वधीक असीं हिते ॻाल्हाईंदासीं हिननि वापारियुनि सां बि त हुननि जा रेट्स छा आहिनि ऐं हाणे कुझु ई कलाक रहिजी विया आहिनि हिते तव्हांखे साइड में कैमरामैन ॾेखारे सघंदो त हीअ ॿार बि मौजूदु आहिनि ऐं कीअं ही गऊं हुजे या हुन खां अलावा ॿिया मुख़्तलिफ़ जानवर तव्हांखे मुंहिंजी राइट साइड ते बि नज़र अचनि था त मुंहिंजी लेफ्ट साइड ते बि नज़र अचनि था सो राइट साइड ते मूंखे पंहिंजी थोरी घणी रश नज़र ज़रूरु अचे थी उते मूंखे इहो ॾिसण लाइ मिले पियो त काफ़ी जेके ख़रीदार आहिनि उहे मसरूफ़ आहिनि वापारियुनि खां पुछनि पिया त तव्हां घणे में जानवर ही खपाइणु चाहींदा पए छा हुनजो रेट आहे छा मुल आहे सो इहा छो त हाणे कुझु ई कलाक रहिजी विया आहिनि त बहस मुबाहिसे में बि तमामु घणी वाधि थी वई आहे सो वधीक अचो त हलूं हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था नाज़रीन ख़रीदार मूंखे नज़र अचे पियो ऐं वॾे गौर सां हिकु जानवर खे ॾिसे पियो जी अस्सलाम वालेकुम छा नालो आहे तव्हांजो वेझो अचो थोरो अस्सलाम वालेकुम छा नालो आहे तव्हांजो शाहज़मान वालेकुम अस्सलाम शाहज़मान छा वठणु आया आहियो केतिरो बजट आहे तव्हांजो ऐं पर ॿुधी करे परेशान त न थी पिया हुननि जा मुल न ॿुधी करे परेशान न थियासीं पुछा कयांसीं हिकिड़े जो 22 लख रुपया सां कहिड़ी चयनि पर जी हींअर पुछा कयासीं त हमरा खां 22 लख रुपया चयनि चए पाण आयो आहियां मां छा चवनि था सिंध मां आयो जी सो तव्हांजो बजट केतिरो आहे केतिरा पैसा खणी आया आहियो असांजो बजट आहे 35 लख रुपया 35 लख रुपया तव्हांजो बजट आहे ऐं पोइ तव्हां 22 लखनि ते छो राज़ी कोन थियो पिया 22 लख में राज़ी कोन थिया ॾिसंदासीं पोइ अॻियां बि ॾिसंदासीं अञा जी पर माना 35 लख त ई वॾो बजट आहे तव्हां छा कंदा आहियो पाण इनशाला वठी सघंदासीं पंहिंजो बसि कारोबार आहे जी कारोबारी माण्हू आहियो तॾहिं तव्हांजो खीसो गरम लॻो पियो आहे सो 35 लख शाहज़मान जो बजट आहे ॾिसूं था त शाहज़मान खे कहिड़ो जानवर पसंदि अचे पियो हिकु हुन 22 लखनि जो जानवर बि ॾिठो आहे सो बकरो वठंदो नंढो जानवर वठंदा या वॾो जानवर वठंदा बकरा बि अगरि वठंदासीं त पैसा बची विया बकरा बि वठंदासीं वरना त जानवर वठंदासीं ढॻो जी ढॻो वठंदा ठीकु आहे शाहज़मान गुड लक पंहिंजा 35 लख तव्हां संभाले रखिजो ॾिसूं था त शाहज़मान कारोबारी शख़्सियतूं बि ज़ाहिर आहे नाज़रीन अचनि पियूं कारोबार जेके कनि पिया माण्हू ऐं उहे बि हिते मुख़्तलिफ़ जानवर ॾिसण जे लाइ अचनि पिया पर लखनि जी हज़ारनि त ठीकु आहे पर लखनि ऐं करोड़नि जे मुल वारा जानवर बि हिते विकिरो थी रहिया आहिनि सो वधीक हलूं था ऐं ॻाल्हि ॿोल कयूं था उन्हनि सां जी नाज़रीन टेलीविज़न स्क्रीन ते ई वॾो वहिड़ो तव्हांखे नज़र अचे पियो ऐं हिकु त तमामु ख़ूबसूरत लॻे पियो
खूबसूरती की जेतरी इनकी गाल कज ओतरी घट है पर सवाल यो पैदा थिए पो तो हि वड़ो इन वक्त ताई छो न विकणजी सको है को खरीद को खरीदारी न करण आयो है छा इनकी सो इनकी अधिक मालूमत इन मालिक का ही हासिल कर वूँ था। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मलिक शुएब अमान फ्रॉम तलागंज। तो कल सुबह ईद है और इस वक्त जो है हमें सब बड़ा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और बड़ा परेशान भी हैं कि कौन सा जानवर खरीदें। ये जो आपका इतना खूबसूरत बेल खड़ा हुआ है इसको अभी तक खरीदने कोई नहीं आया? नहीं, माशाल्लाह काफ़ी कस्टमर वगैरह लग रहे हैं और इसके अलावा फार्मर वगैरह इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इसको आगे पालने के लिए, मज़ीद इसको तैयार करने के लिए ना, और रेट वगैरह अच्छे आ रहे हैं। पर हमारा जो खुद एक माइंड है कि हम एक वो हमारा एक विजन था कितने का अगर सेल हुआ तो सेल करेंगे, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार। विजन क्या था, क्या आप सोच के आए थे, क्या आपकी सोच थी कि इसको कितने में आपने फरोख्त करना है? हमारा विजन तो ये था कि इसको 1 करोड़ रुपए का सेल करेंगे ना। 1 करोड़ जो वड़ो नाजरीन तक नजर अची रहे हुआ है आए को नालो, आपने इसका कोई नाम रखा है, कोई नालो रखे? जी जी, इसको वैसे तो हम कालिया कालिया कहते हैं, कालिया के नाम से ना मशहूर है ये। अच्छा नाज़रीन, ही कालिया तमा के नक नज़र अचे पे, खूबसूरत कालिया आए, काफ़ी सजल धजल भी आए, डेकोरेट भी इनके कयो वयो आए, पर इन जो मालिक चे तो जेकर ही इन भेरे जेका रकम इन सोची आए न पो खपे तो इनके मथे साल के लिए भी रखंदा। सो रकम जेका इन बधी आए इन खूबसूरत वहड़े लाए वह 1 करोड़ रुपया है। सो सुबह ताई टाइम आए, बल्कि सुबाने ते ईद वाले ढी भी काफ़ी आउं डिठो है तो खरीदारी कंदा जानवर की, तो जेकर तवे ये खूबसूरत वहड़ो खपे पो 1 करोड़ रुपये जो है, सिर्फ 1 करोड़ रुपये जो है तवे वन चाहो पाया तो कराची जी नॉर्दन बाईपास से ये जी मंडी आए, खूबसूरत मंडी एशिया की वे में वही मंडी आए, जरूर अचो ए जानवर के खरीद कर। नाजरीन, ईद में हाँ कुछ ही कलाक रह ही तक प्यारा प्यारा बार भी नजर अची रहा अचो तो इन भी गाल बोल क्यों था इन जानवर खरीद कर छो है या नहीं सोचन पाया केतो एक्साइटेड आज सुबाने जला। इस्लाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान, क्या खरीदने आयो? बछड़ा खरीदने आयो। अच्छा, उसकी कुर्बानी करोगे? और कौन आया तुम्हारे साथ, मम्मा पापा आए, कौन आए? कोई भी नहीं आया। अकेले आयो? नहीं, फिर इनके पापा हैं। अच्छा, यानी अपने तुम दोस्त के पापा के साथ आयो, ठीक है। तो क्या क्या कुर्बान करने का तुम्हारा इरादा है? बछड़ा दुख नहीं होता जब जानवर कुर्बान हो रहा होता है, वो तो हमारा दोस्त बन जाता है ना जितने महीनों के लिए हम उसको रखते हैं। मेरा तो बकरा दोस्त बनता है। आपका आपके आपने बकरा ले लिया है? जी। तो उसके साथ कैसी आप कैसा वक्त गुजर रहा है, मज़ा आ रहा है उसके साथ? जी। कितना मज़ा आ रहा है, क्या उसको खाना वाना सही से खिला रहे हो या बस ऐसे ही छोड़ दिया है? खाना वाला खिला रहे हैं। क्या खिलाते हो उसे? जो खाता है। क्या खाता है? पता नहीं लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो मुझसे खिला ले। तो जी अस्सलाम वालेकुम, आपने क्या खरीदा है? गाय खरीदी है। गाय खरीद भी लिया आपने, वाह जी वाह। तो दुख वुख होगा जब वो ईद कुर्बान के दिन पे अपना जानवर आप उसको कुर्बान होते हुए देखेंगे? हैं, हमें तो काटने में मज़ा आता है, हम खुद काटेंगे। अच्छा, आपको कुर्बानी में मज़ा आता है, आप खुद क्या मतलब कसाई हैं आप जो खुद काटेंगे? साथ काटेंगे अपने भाव लोगों के साथ। कितना क्या चीज़ तुम्हें पसंद है, मटन पसंद है, बीफ पसंद है, और जैसे तुम गाय कुर्बान करने जा रहे हो तो उसका कौन सा हिस्सा खाना तुमने सबसे ज़्यादा पसंद है? बारबेक्यू बना के खाते हो? कलेजी भी पसंद है, चर्बी भी पसंद है, और बारबेक्यू करना भी पसंद है। खुद बारबेक्यू करना आता भी है, मैरिनेशन वगैरह? नहीं, मैं नहीं करता। फिर कौन करता है? बावे लोग करते हैं। और तुम सिर्फ मज़े से बैठ के खाते? जी। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने क्या लिया हुआ है? गाय। गाय ली हुई है। आपको भी इनकी तरह जानवर कुर्बान होते हुए दिखने में मज़ा आता है या आपका कोई और सीन है, दुख वुख होता है, आंसू आंसू बहते हैं आपके? मज़ा आता है जब गाय कुर्बान हो रही होती है। यार बड़े वायलेंट किस्म के लोग गाय कुर्बान होते हुए देख के आपको मज़ा आ रहा होता है। चलो जी सुफियान, और आपका क्या नाम था? अब्दुल्ला। और आपका भी बहुत शुक्रिया, चले ईद मुबारक आपको। कल भाई ईद है, जाएं तैयारी कीजिए, कसाई वसाई ढूंढे। जी नाजरीन, निकली भी असा के प्यारी फैमिली नजर आई है, पूरा प्रोटोकॉल्स फॉलो कंदे मास्क भी पातल है, दिसूँ त हू खरीदारी जिला केतरो पुर उम्मीद आन छा उन जो बजट है। सो अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, कैसी हैं मैडम आप? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैडम, क्या आप लेने आई हैं, क्या बजट है आपका? जाहिर सी बात है कि सुबह ईद है और कुछ चंद ही घंटे रह गए हैं, तो आप क्या ख़रीदने आई हैं? मेहनत मजदूरी लोग पेशा हैं, मसलन इतनी आमदनी नहीं है, ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन अल्लाह ताला देगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आपके इरादे मुझे बड़े बुलंद और नेक नज़र आ रहे हैं, तो आप बच्चे आपको लेकर आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं आप लोग? साथ आए हैं, बच्चियों ने बोला कि अम्मी हम लोगों ने जाना है मंडी, ज़रा घूमें थोड़ी तफरी करें,
हमें भी अल्लाह ताला देगा तो हम ज़रूर लेके आएंगे। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला आपको खूब दे। तो और बताएं कि आपने अभी यहाँ पे रेट्स भी मालूम किए होंगे, क्या रेट्स आपको सुनाई दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है रेट, गरीब आदमी नहीं ले सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता। अब जितना उसका घर का खर्चा होगा तो उससे ज़्यादा निकलेगा बाहर, तो फिर ही अफोर्ड कर सकता है। इससे तो यहाँ पे व्यापारी लोग जो हैं वो कोई कम कीमत नहीं करे, अगर आए इनको भी रोज़गार दे, ये भी इतना जानवर को पालते हैं, पोसते हैं, इतनी दूर से लेके आते हैं, तो अल्लाह ताला इनको भी रोज़ी दे। अंकल क्या बजट है आपका, क्या जैसे तो मैडम कह रही हैं हम भी आपके लिए दुआगू हैं कि आपको अल्लाह करे कि आप कोई ना कोई यहाँ से जानवर ले जाएं और ईदे कुर्बान पे उसको बाकायदा तौर पे कुर्बान करें, तो क्या बजट है आपका, क्या सोच क्या है, बार्गेनिंग हो पा रही है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? रेंज से बहुत ज़्यादा आउट है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा व्यापारी भी अपना रोना रो रहे हैं, अपनी परेशानियाँ जाहिर कर रहे हैं। व्यापारी भी कह रहे हैं कि बहुत हमें यहाँ टैक्स देना पड़ता है, कीमतें देनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा किराए हैं। अब क्या करें, हर कोई अपनी अपनी मजबूरी बता रहा है, बस हम तो वापसी लौट के जा रहे हैं जी। बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिम पे भी हमें अमल दरामद करना है, लेकिन आपके बच्चे भी आपको कह रहे हैं कि भाई जानवर लेना है ना? इंशाल्लाह, हाँ जी बोल रहे हैं जी, बहुत इन्हें हौसला ही दे रहे हैं कि अल्लाह करे, करम करे, अल्लाह पाक देगा, इंशाल्लाह लेंगे, अभी बस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम लोग। तकरीबन कितने आपने जानवर देखे हैं अभी तक? तकरीबन 100-150 जानवर देख चुके हैं, 15-20 व्यापारियों से हमने बात करी है, मगर नहीं सौदा बन रहा बिल्कुल। और अंदाजन अगर आप एस्टिमेटेड थोड़ा अपना बजट बता सकें तो आप क्या सोच कर आए, क्या जहन बना के थे कि अगर इतने में मिला तो हम ले लें? 50-60 तक की रेंज थी, मगर वो जो हमें पसंद आ रहा है वो इतने नहीं है, वो तकरीबन 1.5 लाख का, 1.5-2 लाख का इस तरह है। नाजरीन इतने अंकल आए, मैडम जी के सर है, मैडम बैठा है, बिल्कुल दुरुस्त फरमान पाया, तो यानी 50-60 हज़ार वाली भी गाल हली वही है, एतरी एडा महंगा रेट्स लगा पाया है जो लखन की तादाद में, यानी मिनिमम समझो 8 लख 7 लख 1.5 लख अड़े हिसाब से रेट्स लगा पाया पे, न सिर्फ एतरो लख बे पर करोड़न की तादाद में भी, यानी करोड़न जो मुल बे इतने जो व्यापारी आन उ लगे कर वेठा, पर आवाम जो यो ख्याल है वो बाकायदा तौर से व्यापारन जो भी वो एहसास कन था, तो ज़ाहिर उन्हें भी रोज़ी आए, उन्हें भी जानवर से मेहनत कई आए, उन्हें जो भी भलो थी वने पर हूँ भी गड़ो गड़ परेशान आन, तो बजट का उन्हें पॉकेट का इतने जानवर जहाँ रेट्स लगा पायान, पर उम्मीद से दुनिया कायम है, इतने खरीदार आन वो भी पुरउमीद आन, आखिर में पैं भरपूर कोशिश कन था, तो कोई ना कोई जानवर वो इतना ज़रूर खरीद कर वेंदा। नाजरीन घुमंदे घुमंदे ही मुख्य ग्रुप ऑफ यंग बॉयज नज़र अची उन्हें सा भी गाल था ऑफ कैमरा जैसे गाल थी भी बुधा अस हाँ हाँ एंटर थे पर पुछी वा तो उन्हें जो बजट है इन वक्त केतरा जानवर हू ऐसी चुका है। सो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रोहेल जमाली। सो रोहेल आप अभी अभी एंटर हुए? जी जी जी। तो क्या आप सोच कर आए थे ये जो कराची के नॉर्दर्न बाईपास पे मंडी कायम है, इनके रेट्स भी यकीनन आपने पहले से ही थोड़े बहुत मालूम कर लिए होंगे, क्या आपकी ख्वाहिश है, किस किस्म का जानवर लेना चाह रहे हैं आप? कर रहे हैं जो सिटी के अंदर जो मंडीज लगी हुई हैं उनसे थोड़ा ये थोड़ी नीचे होगी, हमें अपने मुनासिब रेटों में मिल जाएगा जानवर, तो अब देखते हैं ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की बड़ा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं कि हमारी बजट से ज़्यादा व्यापारियों ने रेट्स लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है, महंगाई को भी देखना चाहिए लोगों को, और फिर जो नसीब में आपका वो आपको मिलेगा, आप तो लेने आए, हम लोग तो लेने आए जैसे कुर्बानी के तौर पे, तो बेचने की नियत से तो आए नहीं है जिसमें नफ़ा और नुकसान देखा जाए, तो जो नसीब में होगा इंशाल्लाह मिल जाएगा। सोच के क्या है आपके, बड़ा जानवर लेंगे, छोटा जानवर लेंगे? दरमियाना जानवर लेंगे आप, और आपके साथ ही आपकी फैमिली है, भाई वगैरह है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, इकराम जमाली। चलो इकराम मुझे ये बताओ कि आप कितना एक्साइटेड हो, कल सुबह ईद है और अभी आप जानवर खरीदने के लिए आए हो, और दुख होता है क्योंकि बड़ी एक अटैचमेंट सी हो जाती है ना? बस एक्साइटमेंट तो सबको होती है, दुख तो होता है, क्या बात है, अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है, दुख सबको होता है। और क्या आपने आप भी खुद अपने जेब से ज़रा कुछ खर्चा करने जा रहे हैं या आपने बड़ों से ही करवाएंगे, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका? जी जी जेब से भी करेंगे, बड़े भी करेंगे, एक ऑलरेडी हम लोग ले आए, एक और लेने आए बस। अच्छा, एक ऑलरेडी आपके घर में है, अभी एक और आप लेने आए हैं? जी 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 जी। नाज़रीन हिन वक्त असी मौजूद आई हूँ कराची जी नॉर्दर्न बाईपास से मुश्तमिल जेका मवेशी मंडी आए तवाके असी घुमायूं भी था, ए मुख्तलिफ उते वापारन सा जेकी गाल बोल थी थिए पई, जेके पंहिंजो चौपायो माल पंहिंजो खणी आया हैं उनके खपाइण जे लाइ, ईदे कुर्बान जो मौको लॻो पियो आहे सभिनी जी चेहरन ते, सिर्फ़ इहा ई कंहिंजे मतिलब सुठी वारी हिकिड़ी परेशानी नज़र अचे पई त पंहिंजो बकरो या उन खां अलावा जेके ॿिया जानवर हुजनि था
ईद के मौके से ईद कुर्बान के मौके से कुर्बान करण के लिए उनकी खरीदारी में मसरूफ़ आए छोड़ा असं मौजूद आयूँ नवीद बैग साहब से जी कायम मंडी है उनका तर्जुमान है उनसे थोड़ा स्टेटस मालूम करने की कोशिश कंदी तो ही एशिया की वे में वही मंडी सदराए पी तो आखिर छो कारण ठीक है हजार एकड़ से मुश्तमिल है पर गाल बोल कंदे तो असान पे असल नवीद साहब कि ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। सो नवीद साहब थोड़ा बताइएगा कि ये जो मंडी है कितने कितने एकड़न ते मुश्तमिल है आए छो ये एशिया जी वडे में वडी मंडी सदराए पई सो मौशी हवाले सा बेन जी अहमियत छा हो जे थी जी ये मंडी 1000 एकड़ पे और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी मवेशी मंडी है क्योंकि सबसे इससे बड़ी मंडी कहीं लगती नहीं है इसीलिए इसको कहा जाता है और दूसरा इसके अंदर तकरीबन 20 ब्लॉक हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ बनाए गए हैं जिसके मुख्तलिफ नाम हैं जिसमें हमने एक ब्लॉक का नाम KPK रखा है जी एक का नाम सिंध रखा है एक का गिलगिल बल्किस्तान है कराची है पंजाब ब्लॉक है और इसी तरह मुख्तलिफ नामों के हमने ब्लॉक रखे हैं और दूसरा जो माशी एतबार से ये एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है जिससे यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिलता है चाहे वो छोटे तबके से लेके बड़े तबके से चाहे वो सुजुकी वाला हो चाहे वो पानी वाला हो चाहे वो होटल वाला हो तो इन सबको अच्छा एक रोज़गार मिलता है और फिर हमने आवाम की फैसिलिटी के लिए यहाँ पे बैंक की फैसिलिटी भी दी हुई है जी जो यहाँ पे आपके आके कैश फ्री ट्रांजेक्शन करें अपना ATM से और वो वहाँ पे यानी ऑनलाइन पेमेंट भी करी जा सकती है जो व्यापारी यहाँ पे मौजूद नाजरी सिर्फ कैश न पर उनके ऑनलाइन जैस कैश या जेके बया हुजन था जरिया मोड ऑफ पेमेंट जहाँ उन्होंने जरिए उन्होंने आराम से करे सको था तो ये भी बताइएगा साथ साथ के रोज़ाना की बुनियाद पे कितने तकरीबन जानवरों की ख़रीदारी होती है अंदाजन जो इस वक्त जो ख़रीदारी हो रही है और तो इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर जानवर जा रहे हैं और कल ईद है अभी जो रश है हमें बढ़ते हुए बाकायदा तौर पे दिखाई दे रहा है ख़रीदार के हम ये कहें कि उनके जोश और जज्बे में बड़ा इजाफा होता जा रहा है और वो तो रेट्स क्या है रेट्स के हवाले से भी हम आवाम से बात भी करें तो बड़ी शिकायत करते हुए नज़र आए कि रेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं तो फिर भी ख़रीदो फरोख बाकायदा तौर पर हो रही है लेकिन थोड़ी रेट्स की शिकायत करते हुए हमें नज़र आए देखिए ये एक कराची का जो शौक़ है जो मवेशी मंडी ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे हमारी इस मंडी की खसूसियात ही यही है इस मंडी में आपको छोटे से छोटा जानवर और बड़े से बड़ा जानवर मिलेगा रेट्स आपको मुनासिब मिलेंगे जो आपकी जेब में होगा अल्लाह ताला उसको उस तरीके का जानवर मिल ही जाता है उसको मगर थोड़ी सी ढूंढना पड़ता है ताकि उसको भी मज़ा आता है ढूंढने में घूमने में आखिरकार वो जानवर अपने साथ ले जाता है और जो यहाँ पे जानवर अपने बेचने आए हैं जाहिर सी बात है तो उन्होंने ये जो स्टॉल्स अपने लगाए हुए हैं तो ये इनका भी रेंट होता होगा ऑब्वियसली वो रेंट आपको पे कर रहे हैं या किस तरह से नहीं जी यहाँ पे जो मैंने शुरू में आपको बताया 20 ब्लॉक हैं जिनमें 16 जो हैं फ्री हैं उनको हम कोई रेंट चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं तो वो बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा और मुझे बताइए कि रेट्स के हवाले से क्या स्टेटस है और कितने जैसे आपने ब्लॉक्स का भी जिक्र किया लेकिन ओवरऑल क्या रिस्पांस आ रहा है सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे बड़ा सुना है हमने कि कुछ डकैती के बड़े वाकयात रिपोर्ट हुए हैं तो आप उस हिसाब से कितने हद तक ख्याल रख रहे हैं देखें जो भी हुआ था पिछले साल की जो रिपोर्ट थे मगर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिंगल वाक्य भी पेश नहीं आया और सिक्योरिटी जहाँ तक की हम बात की जाए तो इन और आउट नॉर्थन पे और म्यांमार पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के इदारे अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं इसके अलावा हमने मंडी के अंदर इन और आउट पे CCTV कैमरे लगाए हुए हैं जो आप मेरे राइट पे भी देख सकती हैं ये सामने भी लगे हुए हैं और इन सबको मॉनिटरिंग करने के लिए हमने एक मॉनिटर रूम भी लगाया है ताकि यहाँ पे लोग आएँ और उनकी सिक्योरिटी का भरपूर ख्याल किया जाए तो जानवर फरोख करने वाले को फ़ायदा तकरीबन किस हद तक आप समझते हैं कि हो सकता है अब कल चूंकि आज आखिरी दिन है और कल सुबह ईद है तो कितने हद तक अभी तो बड़ी गहमा गहमी इसकी हमें नज़र आ रही है देखें ये तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उनको कितना फ़ायदा हो सकता है मगर ये अच्छे खासा अपना एक मार्जिन जो प्रॉफिट और मार्जिन कमा के जाते हैं मुल्की मईशत में भी आप समझते हैं कि इस तरह की बड़ी मंडियों का बड़े पैमाने पर किरदार होता है जी बिल्कुल ऑफ कोर्स कि ये जितनी यहाँ पे मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पे देखें ये जितने लोग आपको रश नज़र आ रहा है लोग आ रहे हैं सुजुकी में भर के आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं तो और उसके बाद आपके जानवर ख़रीद रहे हैं तो ये एक अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी है जो और बैंक्स में ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो ये काफ़ी हद तक
बेहतर है आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से। बहुत शुक्रिया नवीद बैग साहब। और अभी हम और मज़ीद विज़िट करने की कोशिश करें, जिन ब्लॉक्स की भी आपने बात की वो भी हम खैर विज़िट करके आ चुके हैं, लेकिन मज़ीद हम थोड़ी बातचीत करेंगे। पहले नाज़रीन कैसी दिखा रही नाज़रीन, नवीद साहब बताए न पाया तो यकीनन ही जे की वरे में वरी मंडी आए, हज़ार एकड़ से मुश्तमिल आए ना, जो मईशत में बड़ो किरदार हो जाए पाए जी, ट्रांजेक्शन जी भी उगाल कन पाया, या मोड ऑफ पेमेंट में काड़ी खास रिस्ट्रिक्शन कोन आए, सिर्फ तुम कैश न पर तुम ऑनलाइन भी जो जानवर जै वक्त खरीद कर पाया उन व्यापारी के उते ही तुमजे ऑनलाइन भी तुम उनके पैसा ट्रांसफर कर सको पाया। सो बहरहाल नाज़रीन सुभाणे ईद आए इन वक्त जो तमाम खरीदार आन वो ढो एक्साइटेड भी नज़र अचन पाया, छो तो हाँ कुछ ही कलाक रह काफ़ी खरीदारी जो सिलसिलो ना नहीं जारी आ है, पर वह जी ना एक सुठी वारी परेशानी होंगी है वह उनके चेहरे ते आए तो सुबह जानवर कुर्बान करो आए, कसाई के भी गोल्हणो आए, काफ़ी एक्साइटेड लगा पाया। सो वधी खैर अचो तो उन्होंने असं गाल बोलूँ क्यों पाया। जी नाज़रीन इन मंडी में जितरो असी घुमया आयूं या खरीदारन सा जितरी गाल बोल थिए पई हु चवन पया तो जितरो असा जो बजट आए उनखा वधिक जा रेट्स लगल आइन, पर पो भी पुर उम्मीद आइन आए बाकायदा तौर ते पेंजे लाए पेंजे जेको उन जो पॉकेट उन जो साथ दिए पयो उन हिसाब सा गोलण जी हु भरपूर कोशिश कन पए। जाहिर सुनत इब्राहिमी हर को अदा करण चाहिंदो आए, हर के जिया ख्वाहिश हुंदी आए तो हु ईद कुर्बान जे मौके ते को न को जानवर ज़बह करे आए, सुनत इब्राहिमी जो जेको हक आए जेकी सुनत आए उनके हु परफॉर्म करे आए, उनते अमल दरामद भी बाकायदा थिए। सो हिते भी हां जी असी असके बुधायो वने पयो त वीह ब्लॉक्स आहिनि जिनजा मुख़्तलिफ़ ऐं स्पेसिफिक ख़ास नाला रखियल आहिनि, कंहिंजो सिंध कंहिंखे ॾिनल आहे, कंहिंखे पंजाब, कंहिंखे बलोचिस्तान, कंहिं ख़ैबर पख़्तूनख्वा, जीअं तव्हांखे ॿुधायो मूं त समूरे पंहिंजो मुल्क मां मुख़्तलिफ़ वापारी अचनि पिया इन उमेद सां त हिते रेट्स बि उन्हनि खे सुठा मिली सघनि था ऐं सही क़ीमत में हू पंहिंजे जानवर खे हिते विकिरो बि करे सघनि था। सो ख़ैर वधीक अचो ॻाल्हि ॿोल कयूं था त ख़रीदार परेशान आहिनि, एक्साइटिड आहिनि, कुझु ई कलाक रहिजी विया आहिनि ईद कुर्बान यानी सुभाणे ई कुर्बानी जी ईद जो ॾिहाड़ो आहे, ई राति जो असीं हिते आयल आहियूं, बाक़ाइदा तमामु ख़ूबसूरत समा असांखे नज़र अचे पियो ऐं सभु ख़रीदार ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र अचनि था। जी नाज़रीन जीअं त असीं घुमी फिरी रहिया आहियूं वॾा वॾा जानवर फ़िलहाल त असीं उन्हनि ब्लॉक्स में मौजूदु आहियूं, तव्हांखे नंढा जानवर बि असीं ॾेखारींदासीं ऐं हिते मूंखे ही ॿार बीठल नज़र अचनि पिया, कुझु ॿारनि सां पहिरियों बि ॻाल्हि ॿोल थी आहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, मुर्तज़ा ने क्या लिया ईद कुर्बान के लिए? गाय। गाय ली है? और बाबा ने आपको सब कुछ दिला दिया जिस जिस जानवर की आप फरमाइश कर रहे थे, या आपको नाराज कर गए वो? दिलाए, सब दिला दिया, बस गाय ली आपने जी। और दुख नहीं होगा जब आप गाय को कुर्बान करते हुए देखेंगे तो? नहीं होगा, नहीं होगा। नाज़रीन अंकल जब आ ॾाढा सख़्त मिजाज थी विया आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजो जॾहिं जानवर कुर्बान करणु जॾहिं असीं नंढा हूंदा हुयासीं या हाणे बि तमामु घणो ॾुखु थींदो आहे, पर हीअ चवंदा त असांखे कोई परवाह वरवाह कोन आहे, त यानी आपको दुख नहीं होता मुर्तज़ा जानवर को कुर्बान करते हुए? नहीं होता। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने कितना ज़िद किया था अम्मी अबू से कि मुझे इस ईद कुर्बान के मौके पर बड़ा जानवर चाहिए? बहुत बहुत से मुराद कितनी, आपने क्या कहा था कि भाई मुझे चाहिए? ज़्यादा कहा था कि चाहिए बड़ा जानवर। और ख़ुद मटन वटन या बीफ वगैरह खाते हो या बस सिर्फ जानवर लेके आ जाते हो? जी खाता हूँ। क्या खाते हो? मटन और खाता हूँ। क्या पसंद है मटन में आपको? मटन की आप कढ़ाई खाते हो, बारबेक्यू बना के? दोनों खाता हूँ। बारबेक्यू खुद भी खाते हो? नहीं। आप दोस्तों को बुलाते हो छत पे कज़न्स वगैरह मिल के? नहीं। नहीं करते हो, सारा गोश्त खुद खा जाते? नहीं, फैमिली के साथ। चलिए बताओ हम ईद कुर्बान क्यों करते हैं, जानवर क्यों कुर्बान करते हैं? अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला की इसमें। मुर्तज़ा हम जानवर क्यों कुर्बान करते हैं? अल्लाह ताला को। आपने कॉपी किया ना सवाल इनसे, वो जवाब इनसे है ना? हाँ, मुर्तज़ा इज़ वेरी नॉटी। चले जी, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन असांजी मुलाकात हिकिड़े चाचा सां थी वई आहे, जेके वापारी आहिनि उन्हनि खां पुछूं था त हू पाण सां गॾु केतिरा जानवर खणी आया आहिनि, किथां जा आहिनि, छा रेट हलाइनि पिया जानवरनि जो, छो त हिते ख़रीदार त ॾाढी धाऊं कनि पिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा, छा नालो आहे तव्हांजो? अब्दुल हमीद बिताफ़ी। तव्हां किथां जा आहियो चाचा? कराची आया से, माल खपण ॾियो सखर से, दिल्ली से। केतिरा जानवर पाण सां खणी आया? छा रेट लॻायो अथव? 2 लाख, 1.5 लाख के इतने बिके हैं। तो और मज़ीद बताइए कि आपने जो ये रेट लगाए ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लोगों का इतना बजट है? नहीं, ज़्यादा रेट भी हैं तो पर टैक्स भी है ना, गवर्नमेंट की ज़्यादा टैक्स है, वो तो पानी के पैसे हैं, ये खर्चा तकरीबन 20,000 का एक जानवर का खर्चा आया जाता है हमारा।
इस वक्त तक आपने कितने जानवर जो है वो आप बेच चुके हैं? तकरीबन 8 जानवर बेच चुके हैं। 8 जानवर, फायदा हुआ? हाँ, खुश हुए आप? खुश हैं बिल्कुल जी। नाजरीन है ते एक खरीदार ही जानवर खरीद करे छड़ियो आए आए हूँ भरपूर कोशिश कर पाया था उनके महफूज गाड़ी में पैंजो महफूज तरीके से विहारन जो जख्मी भी न थे आए हूँ कोशिश कन पाया पर जानवर जो है हेट भगो भगो बने पाए लाइव पाँचो ये तक बाकायदा तौर पर ॾेखारियूं पाया। सो जो जानवर ही खरीद कर खुशी भी उनके चेहरे से आए परेशानी भी आई चवन था तो मुझे जानवर के महफूज तरीके से गाड़ी में विहारो तो जो जख्मी न थे। जाहिर है जो खरीदार हों वो बाकायदा पैं जानवर के लिए परेशान हों तो उनके महफूज तरीके से घर वी वाया सुकून से बेडी से कुर्बान कर छियाँ। ग्रीन औरतू भी असंख जानवर खरीद कंदे नजर अचन पी उन गाल बोल क्यों अस्सलाम वालेकुम छा नालो है तुम? मुझे नालो किरण है। जबरदस्त ती सुी सिंधी गाल पो तो ऑफ कैमरा तुम? हाँ मुझे सिंधी अचे थी बट एडी नी अचे। जबरदस्त। सो किरण नालो बुधायो तमाम किरण तमाम छा केड़ो जानवर गोल्हण आया हो छा तवा जो बजट है? वैसे तो हम लोग यहाँ पर ना आउटिंग करने के लिए आए हैं और क्योंकि बच्चे सब भी बड़े एक्साइटेड होते हैं आपको पता है बड़ी ईद में तो हमारी जो इन्जॉयमेंट होती है वो यही है कि मंडी जाएँ और जानवर देखें मगर इस मरतबा के जो रेट्स वगैरह वो बहुत हाई हैं। तो आप यहाँ पे जानवर खरीदने के इरादे से नहीं आए? फिलहाल नहीं, फिलहाल इरादे से नहीं आए, फिलहाल तो घूमने के लिए आए हैं बच्चों को इंजॉय करवाने के लिए आए हैं। तो आपका कैसा तजुर्बा रहा? जाहिर सी बात है आपने रेट्स का भी मुआयना किया होगा, बहुत ज़्यादा हैं ज़रूरत से? रेट्स तो काफ़ी हाई हैं मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस इंसान का जो बजट होता है ना उस हिसाब से उसको जानवर मिल जाता है। तो आपने ज़िद किया है घर वालों से कि हमें जानवर चाहिए इधर कुर्बान पे? जी। इतना ज़िद किया नहीं लेकर दे रही आपको ये? हम लेकर ही जाएंगे ना जानवर यहाँ से, मैंने कहा फिलहाल नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर लेके जाएंगे। अच्छा तो आपकी ये बाजी जो है बात नहीं मान, फिर आपने कुछ किया है एप्लीकेशन वगैरह लिखी है इनके लिए कि भाई मान जाए हमें लेके दें? आप बजट को क्या देख? मैंने इनसे बोला था पर ये बोली नेक्स्ट टाइम लेके देंगी। और आप इसमें राजी हो गई? बड़ी प्यारी बच्ची हैं। चलें जी गुड लक को। यहाँ पे इंतजाम और सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से कैसे इंतजाम नज़र आए क्योंकि डकैतियों के वाकयात भी बड़े रिपोर्ट होते हैं यहाँ से? नहीं, इस मरतबा सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा घर तो इसके नज़दीक ही है और इस मरतबा कोई भी ऐसा वाक्य सुनने को नहीं मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बेहतरीन। हाँ बहुत शुक्रिया किरण। जी नाजरीन तवा के असी वड़ा जानवर ॾेखारींदा हलूं पया वड़ा भी आहिन गऊं भी उनमें शामिल आहिन आए ही असां जे हाँ कैटल फार्म में मौजूद आहियूं हिते भी ॾाढी खोड़ असांखे वैराइटीज़ नज़र अचन पियूं जानवरन जूं कुछ डील्स भी हलन पियूं ऐं काफ़ी माण्हू डील करण में भी मसरूफ़ नज़र अचन पिया। उन खां अलावा नंढा जानवरन जी जेतिरी ॻाल्हि कजे त ज़ाहिर ही 1000 एकड़ ते मुश्तमिल मंडी आहे ऐं काफ़ी फ़ासिलो तय करे असांखे पूरे वञिणो पवंदो त फ़िलहालु असीं वॾनि जानवरनि सां ई तव्हांखे उन्हनि सां मुलाक़ात कराईंदा वठूं था ऐं हिते बि असांखे ॿिया ही पंहिंजो हिन फार्म जा ओनर आहिनि। तो आप इस फार्म के ओनर हैं ना, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शहीर। तो शहीर हमें ये बताइए कि आप बड़े यंग से हैं और इस कैटल फार्म की आप देखभाल कर रहे हैं, इसको ओन कर रहे हैं, ये कैसे, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? बस बचपन से ही शौक था ये और काफ़ी टाइम से हमारा ये बिजनेस है, मुझे इसको 11 से 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास ये अगर हम ब्रीड्स की बात करें ये कौन सी नस्ल हैं या आप ये इम्पोर्ट भी करते हैं जानवर? जी हम ज़्यादातर तो काम लोकल पे करते हैं और अपनी ब्रीडिंग भी करा रहे हैं जानवरों की, बाकी ये कि अब इंपोर्ट भी कराएंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम अपने लोकल जानवरों पे जो लोकल ब्रीड है हमारी पाकिस्तान की उस पे काम कर रहे हैं ज़्यादा। वैसे जब जानवर इंपोर्ट किए जाते हैं तो उसमें कितना एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं या वो बहुत बड़ी चीज़ होती है करने के लिए? काफ़ी जो व्यापारी हैं वो इतने ज़्यादा तवज्जो नहीं देते उस? असल में हमारी जो लोकल ब्रीड है ना यहाँ पे सरवाइव कर जाती हैं, जो बाहर की ब्रीड्स हैं ना उनके लिए हमने कंट्रोल शेड्स का इंतज़ाम करना पड़ता है, कंट्रोल फार्मिंग करनी पड़ती है बिल्कुल ना, तो वो यहाँ पे सरवाइव उनका करना मुश्किल हो जाता है। और अभी आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड्स हैं? मेरे पास यहाँ पे लोकली अपने साहिवाल है, चोलिस्तानी है, ब्राह्मण के अंदर है, मेल क्रॉस ब्रीड में मेरे पास जानवर अवेलेबल है, मतलब हर ब्रीड अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कौन सी ब्रीड है आपके पास? बस ब्रीड पे तो नहीं बिकता जानवर, क्वालिटी और कलरफुल होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्रिंट अच्छा होना चाहिए, पलाई अच्छी होनी चाहिए, उस पे बिकते हैं जानवर। और मुझे ये भी बताएं कि आपने क्या रेट्स मख्तस किए हुए हैं, लोगों की बड़ी क्या शिकायत का भी सामना करना पड़ रहा है कि ये तो आपने बड़े ही ओवर रेटेड जानवर रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनकी कीमतें हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 लाख से स्टार्टिंग है और हमारी जहाँ 45 से 50 लाख तक का भी जानवर होता है। सबसे महंगा जानवर कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 करोड़ का भी जानवर बेचा है। बेच भी दिया है आपने 1 करोड़ का जानवर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
नाजरीन नवासा बो भी खरीदार मिली वो है सो उन भी गाल बोल कर वूँ तो खरीदारी के अस्सलाम वालेकुम नालो है तुम आबिद खान मुझे नालो अफराम नवाब शाह आबिद साहब खरीदारी कई है तुम इन वक्त वारे में अच्छे तो वी ना खीसो वीसो साथ दे पो या खीसो तो अला खैर कर माल ढिस ना पे खीसे की तो गाल खीसो फुल है अलहमदुल्ला 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 चलो असि दुआगू है तो सुठो जानवर मिली वे बजट है जो थोड़ो घणो बुधाए वठ पता नहीं बारन जी शौक आ बारन जी जेका इनके पसंद ही तो पो इन जी नाजरीन असी असा के घुमंदे फिरंदे काफी मानु नजर अचन पया जेके जानवर जी खरीदारी में मसरूफ है असा खरीदार मिली वयो है अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह आकिब हसन नाम है मेरा तो आकिब साहब आप क्या कौन सा जानवर ढूंढने आए हैं क्या आपको भी लग रहा है कि बड़ी कीमतें इन्होंने रख दी हैं और बजट जितना है उस हिसाब से अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है देखिए हर साल महंगाई तो बढ़ी रही है डेफिनेटली इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा है महंगाई है अभी भी हम एंट्री मारे तो यहाँ पर स्टार्ट लिया है अभी इंशाल्लाह जनरल ब्लॉक में जाके कोई सौदा बनाने की कोशिश करेंगे और क्या सोच कर आए हैं कि आप बड़ा जानवर लेंगे छोटा जानवर लेंगे बस अपने मतलब की चीज़ मिल जाए अच्छे पैसों में बच्चों ने जाहिर सी बात है उन्होंने भी थोड़ा बहुत ज़िद किया होगा कि जानवर आपने लेके ही आना है डेफिनेटली अच्छा जानवर हो बड़ा भी हो खूबसूरत भी हो और अच्छे पैसे में भी हो नाजरीन घुमंदे फिरंदे मुखे कुछ व्लॉगर्स भी नजर आया वरी इन जी फॉलोइंग हो जाए थी काफ़ी मानू इन सब्सक्राइब भी कन पाया काफ़ी इनके सुणीदा भी हों जितरा इन जहाँ सब्सक्राइबर्स आज उन हिसाब से ही एक एमिनेंट फिगर आन ही आज अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका इस्लाम में आर्किटेक्ट महत खाना सर तो आप बताइए हमने आपको देखा कि आप बाकायदा तौर पर व्लॉगिंग कर रहे थे कौन से जानवर आपको पसंद आया सिर्फ व्लॉगिंग करने के लिए आए हैं नहीं मैं व्लॉगिंग करने नहीं आया सिर्फ जानवर लेने आया साथ में मैंने कहा व्लॉगिंग भी कर लें दोनों काम हो जाएंगे आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे और आपको जानवर भी सब्सक्राइबर्स बढ़े ना बढ़े लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आगे चलें ज़बरदस्त ये भी एक अच्छा काम करें लेकिन फिर आपने रेट्स वगैरह मालूम किए अभी तक यहाँ के रेट्स नहीं मालूम किए दूसरी तरफ से होके आए वहाँ के रेट्स मालूम किए अभी यहाँ आए हैं अभी हम लोग तो क्या माहौल लग रहा है आपको कि रेट्स बहुत ज़्यादा ही ओवर रेटेड हैं इस बार सुना है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आयु बार से डबल है आप तो यूट्यूबर हैं आपकी कमाई तो बहुत अच्छी खासी होगी और आप तो जो है बड़ी कीमत वाला लेके जाएंगे ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ये है कि मैं कोशिश ये करूँगा मुनासिब लेकर जाऊँ बहुत बड़ी कीमत नहीं क्योंकि मैं दिखावा नहीं करना चाहता कुर्बानी है तो एक बिल्कुल अपने हिसाब से उसके हिसाब से करेंगे बहुत शुक्रिया आपका शहीर जो है कैटल जो ओनर आए वह असके डील कहते नजर अचे पो ए यो भी दिखारी हलां तो उनके ऑनलाइन भी मू पैसा ट्रांसफर कदे असा ही बाकायदा विटनेस क्यों पाया मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन पेमेंट कदे भी नज़र अचन पाया तो यह सहूलत भी हाँ मंडन में व्यापार रखी छी है ही जो कारोबार हल पे तमाम सुठी सहूलत है तमाम शहर के लिए सो एक डील असाने सामू अस बाकायदा मुलायजा फरमाए रहा हूँ विटनेस कर रहा हूँ थी रही है पैसा भी ट्रांसफर थियन पाया जानवर की खरीदारी भी बाकायदा तौर पर जारी है नाजरीन कोशिश कई से के ही हज़ार एकड़ ते मुश्तमिल समूरी मंडी घुमायूँ पर ज़ाहिर हज़ार एकड़ ते मुश्तमिल है सो असा कोशिश कई से जिते जिते असी पहुंची सकिया से उते तवां के असी भरपूर नमूने सा हिड़न मोटन मोटन सेहतमंद जानवरन सा मुलाकातूं करायूं से सो प्रोग्राम पैं अख्ताम ते पुगो आए मुख्य थोड़ो सो भो भी थे पो इन वक्त पर कोशिश पूरी कया थी पैं एक्स्ट्रो रही वेठा ईद कुर्बानी जी ईद जी नाजरीन जो थोड़ी गाल ईंदी है या तो हज के असी उन सलहड़ींदा आयूँ या इन जो जो अहम फैक्टर हुए तो वो कुर्बानी हो जाए तो जानवरन की कुर्बानी हो जाए तो असी आखिर में यो भी पैगाम दींदे तो सुबह कुछ ही कलाक रह जाहिर सुबाने का जानवर कुर्बान करण शुरू थी वा जो गोश्त हो जाए तो वह कोशिश करें असी गरीब मानुन के भी उन्हें भी याद रखू उन भी खारूँ पैं मिट माइटन के दोस्तन के भी जरूर खारूँ पर उन्होंने भी मोकलूँ पर जी अफोर्ड ना कर सकन जी कुर्बानी भी ना कर सकन उन लाजमी याद रखूँ सो बहरहाल कुछ ही कलाक रह मुखो भो थे पो इत क्रॉस करण में ही ब प्यारा प्यारू गऊँ आन अल छे खबर ना है पर बहरहाल खरीदारी जो सिलसिलो भी जारी है तुम सभी के मुझे तरफा आवाज़ टीवी की समूरी टीम पारा ईद मुबारक हो जाए